फिश फ्राई बनाएंगे आज, लेकिन थोड़ी सी अलग तरीके से। स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो कीजिए तो बहुत ही टेस्टी फिश फ्राई आपके बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और बनाते हैं इस यमी फिश फ्राई को। तो इसके लिए हमें चाहिए कातला फिश, यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको धो करके साफ़ कर लिया है, और फिर इसे हमें मैरिनेट करना है। तो मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिया है नमक, नमक आधा चम्मच से थोड़ा सा कम लीजिए। उसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पर आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर सकते हो, पर मैंने ये सब नहीं किया है। इसके बगैर भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, और अब लेमन जूस अगर यूज़ करते हो तो हल्का सा खट्टापन इसमें आ जाते हैं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, और उसके बाद हमें चाहिए एक स्पेशल मसाला। तो उस मसाले को बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो मसाले पे यहाँ पर मैंने लिया है, पहले एक मिक्सिंग जार ले लेंगे, इसे हमें पीसना है। और मसाले में मैंने लिया है यहाँ पर धनिए का पत्ता, मुट्ठी भर ले लीजिए, और उसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे कुछ कलियाँ लहसुन के, साथ में हमें चाहिए अदरक के कुछ टुकड़े, जितना लहसुन उतना अदरक लीजिए। उसी के साथ हमें चाहिए हरी मिर्च, ये अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। साथ में हमें चाहिए चावल का आटा, ये मैंने 3 चम्मच लिया है। आपके पास अगर चावल का आटा ना हो तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से पानी इसमें ऐड कर देंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला ये पेस्ट ना बनाएं। अब ये जो मैरिनेटेड फिश है इसके ऊपर इस पेस्ट को डाल देंगे। अगर आप नोटिस करो कि पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला हो गए हैं तो इसमें आप हल्का सा और चावल का आटा या फिर मैदा ऐड कर सकते हो। आप इन सब चीज़ों को वापस से एक बार मिक्स करते हुए मैरिनेट कर लेंगे, और इसे वापस से 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो फिश के अंदर तक पहुंच जाए। तो इसके लिए ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है कि इसे आप 10 मिनट के लिए स्टैंडिंग टाइम पर ऐसे ही छोड़ दें। और उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। तेल आप कोई सा भी ले सकते हो, सरसों का तेल ले सकते हो या फिर सफ़ेद ऑयल भी ले सकते हो, मतलब रिफाइंड ऑयल। अब इसमें धीरे धीरे करते हुए फिश को ऐड कर देंगे, थोड़ा सा मैरिनेशन ऊपर से भी डाल देंगे ताकि सभी साइड से ही अच्छे से कोट हो जाए, और इसे दोनों साइड से फ्लिप करते हुए अच्छे से इसको फ्राई करना है। पर ध्यान रखिएगा इस मैरिनेशन में काफ़ी ज़्यादा मसाला है, तो इस वजह से गैस का फ्लेम हाई ना करें, मीडियम लो करके हमें इस फिश को फ्राई करना है, नहीं तो अंदर तक ये फ्राई नहीं हो पाते हैं और साइड से काला पड़ जाते हैं। तो ये देखिए फिश हमारा बनके तैयार हो गए है, इसे भी तेल में से निकाल के साइड में रख देंगे, और इसी तरीके से बाकी बचे हुए फिश को भी सेम प्रोसेस में फ्राई करके निकाल लेंगे। और ये हमारा फिश फ्राई बनके तैयार हो गए हैं। इसे आप स्टीमिंग राइस और दाल के साथ सर्व कर दो, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, या फिर ऐसे ही आप इसे स्टार्टर में सर्व कर सकते हो। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, और रेसिपी अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। कोई भी सुझाव हो तो वो भी मुझे बताएं, और फिश का दूसरा कोई रेसिपी अगर आपको देखना हो तो वो भी मुझे बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।